हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक और फूड वीडियो पे एंड दिस टाइम इट इज़ फ्रॉम मणिपुर विच इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड ये फूड आइटम जो भी है बहुत ही वियर्ड है, क्रेजी। ये रेड एंड सॉर रेड एंट्स, इनफैक्ट मैंने एक बार ना गलती से खाया हुआ है रेड एंट को। यस, और आई थिंक इट वॉज अलाइव। वो क्या हुआ था, मेरी रोटी को एंट्स लग गई थी और मैंने खाया था फर्स्ट बाइट वैसे ही, तो उसमें एंट्स था। मुझे बहुत देर तक गले में ऐसा इचिंग हो रहा था, सो आई डोंट नो हाउ पीपल ईट इट। या और नॉर्थ ईस्ट के बारे में मेनलैंड इंडिया को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, एंड हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हैं, तो आई एम श्योर आप लोग को भी कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है एंड उधर के लोग डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। या कल्चरली बहुत डिफरेंट है, इवन रेशियली बहुत सारे लोग डिफरेंट है। बहुत कुछ डिफरेंट है मेनलैंड इंडिया से, बट इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वी आर ग्लैड कि इंडिया का पार्ट है वो। एंड ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, फूड एक्सप्लोरियर को प्लीज़ सपोर्ट करो। उनका चैनल अभी भी छोटा है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उन लोग और भी वीडियोस डालते रहेंगे अलग अलग रीजन्स के। काफ़ी अभी तक आई थिंक दे हैव बीन टू 3 कंट्रीज, सो और भी yes. इवन अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। yes. इनके एक वेबसाइट है इनका, आप इनके चैनल पे जाओगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। उनके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल्स है। उनके चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको पाकिस्तानी फूड का ये देना है अप्लाई कर सकते yes. हो। आप शूट करके इनको दे सकते हो, इन लोग एडिट करके पोस्ट कर देंगे, तो पाकिस्तानी फूड भी पूरे वर्ल्ड के सामने दिखा सके। अभी ये मणिपुर का फूड देखता yes. है। आर यू एक्साइटेड? यस, रेड एंट्स। ग्रीनरी देखो, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओके, रेड एंट्स। सिनेमैटिक वीडियो जैसा। सीरियसली ये चैनल काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स डिजर्व करता है जितना है इसे। ठीक है, नहीं उसको पानी में डाल दिया। देख, देखा? इट्स क्रेजी कि मैंगो ट्री से हम लोग एंट्स निकाल के खाने वाले हैं, नॉट हम लोग। बाप रे, कितना सारा एंट्स है। अरे बड़ा बड़ा है ना। चैनल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया में भी ये सब कॉमन, मतलब मणिपुर में होगा, बट हम लोग को ये, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये सब देखने कभी नहीं मिलता, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया इस चीज़ में। आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोगों को वियर्ड फूड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है। हम लोग ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस बार हम लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं एंड ज्यादा शॉकिंग भी है।
मतलब वो फ्रॉग वाले वीडियो में जब हमने मलेशिया के फूड वाले वीडियो पर रिएक्ट किया था तब भी हम लोग काफ़ी शॉक थे और ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। सेकंड जो हमने रिएक्ट किया था वो क्वेल के बारे में था, जो एक बर्ड था विच वॉज नॉट एज सरप्राइजिंग। ये वाला ये बहुत ही सरप्राइजिंग, ये कैसे खाने में अच्छा होने वाला है, आई डोंट नो। गार्लिक मुझे पसंद है, स्पेशली फ्लेवर। मतलब इसका पीसेस खाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन आई एम रियली होपिंग कि आप लोग को भी पसंद आया होगा ये वीडियोस। मतलब हमने ये तीनों वीडियोस एक साथ शूट किया, फर्स्ट वीडियो इतना शॉकिंग था कि हमने बैक टू बैक तीन वीडियोस देख लिए इनके, ये थर्ड वीडियो है। तो मे बी हम लोग थोड़ा गैप रख के रिलीज करेंगे, बट एक साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इतना शॉकिंग लगा। तो अगर आपको भी शॉकिंग वीडियोज़ पसंद है तो ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट करो। एंड दिस इज क्रेजी। बाकी सब चीजों की वजह से रेड हैंड्स अभी ये फूड जैसा दिख रहा है, मतलब कोकोनट को ये डरता ना इसका जैसा कुछ लगा, लेकिन थोड़ा पास गए तो दिखता है। वेल ऐसी सिचुएशन पे टेस्ट करने को होना चाहिए था। मैं बहुत सारे फूड वीडियोस में ये बोल चुका हूँ कि ये टेक्नोलॉजी चाहिए था कि स्क्रीन से हम लोग वो फूड पर सैंपल ले सकें और टेस्ट कर सकें। आई थिंक हम लोग और भी ज़्यादा फूड वीडियोज़ पे थोड़े टाइम के लिए रिएक्ट नहीं करेंगे, शायद बाद में करेंगे अगर आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। बट अभी के लिए इतना ही, ये तीन वीडियोज़ पे रिएक्ट कर लिया, बट इट वॉज सो एक्सेलेंट, सो एंटरटेनिंग और बहुत ही शॉक वैल्यू था। और कहीं ना कहीं आई कुड क्वेश्चन माई सेल्फ कि विल आई ईट इट। मतलब हम लोग ऐसे क्रेजी फूड के बारे में उतना बैठ कर सोचते नहीं है कि ये तीनों वीडियोस आप लोग देखोगे लास्ट 1.5 वीक्स में जो भी रिलीज किया है, सेपरेट सेपरेट रिलीज किया होगा, बट हर वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वुड यू ट्राई दिस। आई थिंक मैं इसको राइस के साथ खाना प्रेफर करूंगी, मतलब कुछ तो उसके अंदर डाल के। मुझे वो एंड्स दिख रही है, मतलब वो टेस्टी नहीं दिख रहा। टेस्टी भी मतलब होगा, क्योंकि जो फ्लेवर्स है वो सारे मुझे बहुत पसंद है, सो एवरीथिंग एक्सेप्ट एंट्स। मैं पहले वो देख के वो ड्राई लग रहा है, बट वो काइंड ऑफ क्रिस्पी भी होगा आई थिंक टेक्सचर, और वो एंट्स का पीछे का पार्ट रहता है ना, वो ऐसा स्क्विश होएगा तो ऐसा स्लाइट लिक्विड ही भी हो सकता, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा अगर मौका मिला तो। आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि अगर आपको ये चांस मिलता है ये खाने का तो आप लोग ट्राई करोगे या डरपोक बन के नहीं ट्राई करें। डरपोक की भी बात नहीं है, मुझे एक एक चीज़ पसंद है ही नहीं फूड में, मैं बहुत ही चूजी ईटर हूँ, तो मैं ज़्यादा दूसरे लोग को बोल नहीं सकता कि ये नहीं खाता। मैं खुद ही आधे चीज़ मतलब जो बहुत ही कॉमनली पसंद किया जाता है वो सब खाता भी नहीं हूँ। अनियंस नहीं पसंद, अनियंस का फ्लेवर
अच्छा लगता है, बट उसका पीसेस नहीं जमता मुझे. मुझे टोमेटोस भी फ्लेवर पसंद है, बट ये मुझे टोमेटो सूप से भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे उसका पेस्ट से, टोमेटो पेस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, बट पीसेस नहीं पसंद. या हम लोग अभी रिसेंटली पिज़्ज़ा खाया था, इट वॉज़ वेज पिज़्ज़ा. तो राज ने एक पीस खाया और उसने उसमें से सब कुछ निकाल दिया. चीज़ को छोड़ के तो या इसलिए मैं वेज पिज़्ज़ा प्रेफर नहीं करता, यूजुअली नॉन वेज पिज़्ज़ा से. इसे इतना प्रॉब्लम नहीं है वेज से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट या एक्सेलेंट वीडियो, मतलब वीडियो क्वालिटी वॉज अमेजिंग, सब कुछ है. और इनके पास सब्सक्राइबर्स इतने कम होने नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि यस जाके सब्सक्राइब करो. एंड या दैट्स इट. यस बट बिफोर बिफोर एंडिंग जस्ट वन क्वेश्चन, तूने अपने लाइफ में सबसे वियर्डेस्ट चीज़ कौन सी खाई है? या तो ये लास्ट वीडियो है वियर्ड फूड्स के ऊपर थोड़े टाइम के लिए, तो ये क्वेश्चन आंसर कर ही हाँ देता है. लेट मी थिंक, तुझे कुछ याद आया तो तू बोल सकती है बीच में. सी आई हैव ईटन एंट्स वो जैसे तो मैंने बाई बोला मिस्टेक है. में. हाँ बट इंटेंशनली सिर्फ मैंने क्रैब तक ही खाया है, उससे ज़्यादा आई हैव या नॉट मैंने ट्राइड भी एनीथिंग. क्रैब खाया है, बट वो वियर्ड फूड्स में आएगा क्या पता नहीं. मतलब मैं बोल सकता हूँ, मैंने कॉम्प्लान करके एक हेल्थ ड्रिंक आता है, जो मिल्क में वो एक पाउडर रहता है जो मिल्क में मिक्स करना होता है. वो मैं सेपरेटली खा लेता था. मतलब एक बाउल में ह्यूज क्वांटिटीज में लेके उसका एक प्लेन फ्लेवर आता था. आई यूज टू लव इट. कॉम्प्लान वो ऐसे ही खा लेता था. शायद वो सबसे वियर्ड है क्योंकि वो मिल्क में मिक्स करके खाना होता. मैंने ऐसे प्रोटीन पाउडर खाया है. दैट इज हॉरेबल. मतलब एक दिन आफ्टर कमिंग फ्रॉम जिम मुझे कुछ पीने का मूड नहीं था, लेकिन आई यूज़ टू टेक रिलीजियसली प्रोटीन पाउडर. सो मैंने सोचा मैं ऐसे ही स्पून से खा लेती हूँ और उसके ऊपर पानी पीती हूँ. दैट डिड नॉट मेक एनी सेंस आई नो, क्योंकि मैं दोनों मिक्स करके भी कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि दिस इज ईजियर. आई थिंक तुझे ग्लास में नहीं लेना था मे बी, बट हाँ या तो मेरा वियर्डेस्ट फूड और इसका भी थोड़ा सिमिलर है. या आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हो. एंड मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर. वील सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.